प्रज्ञा दी आलिया को डायरेक्टली एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन बिना सबूत के वो ऐसा नहीं कर सकती थी पूरब। और अगर बिना सबूत के दीप आलिया को एक्सपोज कर भी देती तो सारा इल्जाम तुम पर भी आ सकता था, क्योंकि तुम अभिजीजू का सारा बिजनेस हैंडल करते हो। तुम पर फ्रॉड का केस हो सकता था पूरब। तुम्हें बचाने के चक्कर में ताकि तुम पर इल्जाम नहीं आए, तुम भी पर इल्जाम ना खड़े थे पूरब। थैंक यू पूरब। ये पूरब भी ना कहाँ रह गया? गया था नहाने गया था, कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा, पता है तुझे? एक्चुअली बोला मुझे कोई जान पहचान वाला मिल गया था रास्ते में, तो उसी की वजह से लेट हो गया। वहां पर वो लोग बैठे, अगर देख लिया ना तुझे आटे में ले लेंगे। बुलबुल कुछ कर, ये लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर ये यहाँ से नहीं गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आलिया ने अगर इन्हें यहाँ देख लिया ना तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी करके पूरब को बोल के ये नहीं यहाँ से जल्दी लेकर जा। तो तू चाहता क्या है कि मैं खाने के बदले ये टिश्यू पेपर खा लूं? मैं अपना मूड खराब नहीं करने वाला यार। तू मेरी बात सुन, हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? और ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, फिर कभी आएंगे ना। हमें क्या जरूरत है सब में पढ़ने की? आखिरी बार है। देख अभी तेरी इमेज ना तेरे हाथ में, फालतू में उसे स्पॉइल क्यों कर? इससे पहले कि ये पागल मुच्छड़ बात को आगे बढ़ाए ना, हम यहाँ से निकलते हैं। आई गेस यू आर राइट। क्या है ना, ये अपना एरिया भी नहीं है। अगर अपना एरिया होता ना तो उस मुच्छड़ को उसके मूछों से इलेक्ट्रिक के खंभे पर लटका देता मैं। चले को दिखाते। बात सुन बोल, देख अब ज्यादा अलर्ट रहना क्योंकि वो वापस आ गए। वापस आ गए? हाँ। पूरब तो जीजू को साथ में लेकर गया था। लेकिन वही उन्हें वापस लेकर आया। पूरब ने एक नया और बेटर आइडिया दिया। उसका कहना है कि अच्छा होगा ना कि अगर ये खुद आलिया को रंगे हाथों पकड़ ले। मतलब समझ रही है, अगर ये खुद आलिया को सीढ़ी बेचते हुए देखेंगे तो हमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा दी, पूरब मेरे साथ साथ ना स्मार्ट हो गया है। ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, तू जाके सारा काम कर और ध्यान रख। जैसे ही आलिया तुझे सीढ़ी बेचते हुए पकड़ी गई तो वहां से चुपचाप निकल जाना प्लीज। हाँ। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब में इन्वॉल्व है और हमने जाल बिछाया आलिया को पकड़ने के। दी तू देख, टेंशन मत ले। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस खेल में ना बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, क्योंकि ये जो खेल है ना ये लाइव बनता जा रहा है और लाइव ऑडियंस भी तो है, जीजू और पूरब। विश मिला, ऑल द बेस्ट, जल्दी चलो। बाय। दादी ओ पुत्र, क्या हो रहा है वहाँ? आलिया पहुंची कि नहीं पहुंची, और वो पकड़ी गई कि नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? बताना जल्दी से। नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं हुआ, आलिया अभी तक आई नहीं है। तो पुत्र मुझे बता तो देना चाहिए था ना, फिक्र कर कर के मेरा बुरा हाल हो रहा है कि वहाँ क्या होता होगा। आई एम सो सॉरी दादी, एक्चुअली ये भी ना यहाँ पहुँच गए वो भी पूरब के साथ, तो इतनी टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गई। अभी वहाँ उसने तुझे देखा तो नहीं? आलिया को पता नहीं चलना चाहिए कि अभी वहां पहुंच गया। अगर उसको पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो भाग जाएगी यहाँ से और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, एक्चुअली ये यहाँ आ गए तो और बेटर हो गया ना, क्योंकि ये खुद अपनी आंखों से आलिया को सीढ़ी बेचते हुए पकड़ लेंगे और हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर पुत्र तो कैसे कर पाएगी सब? आलिया बहुत चालाक है, अगर उसको भनक भी पड़ गई ना कि अभी यहाँ है तो फिर वो सारा गेम पलट देगी, हमारा प्लान
फेल हो जाएगा और तुझे उस प्लान में फंसा देगी। इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी दादी, क्योंकि भगवान का साथ और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है। इस बार देखिएगा, जीत हमारी है।